इस वीडियो में हम शेयर करेंगे कैसे हाथ से बिना फेटे 2 मिनट में आप कैफे स्टाइल चाकदार फेटा कॉफ़ी इंस्टेंट बना सकते हैं इजीली विदाउट कॉफ़ी मशीन। नमस्कार, मैं हूं श्रावणी, श्रावणी किचन में आपका स्वागत है। सर्दी का मौसम में कॉफ़ी पीना किसे पसंद नहीं, हम सभी को अच्छे लगते हैं, लेकिन कॉफ़ी फेटना पड़ेगा इस डर से चाय ही पी लेते हैं अभी। और आपको हाथ से फेटना भी नहीं पड़ेगा कॉफ़ी को, और आप गर्म गर्म कॉफ़ी को इंस्टेंट एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कैसे झाकदार बेस्ट हॉट कॉफ़ी बना सकते हैं हम घर पर। मीडियम फ्लेम पे एक सॉसपैन को गर्म करेंगे, डालेंगे इसमें 1 कप दूध, हम लिए हैं 1 कप लो फैट मिल्क, आप चाहे तो फुल फैट मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं, मिल्क आप आपके पसंद का यूज़ कर सकते हैं। तो मिल्क को बॉईल कर लेते हैं, दूध को हम उबालेंगे, लेकिन दूध के ऊपर मलाई का परत जमने नहीं देंगे, नहीं तो कॉफ़ी का टेस्ट अच्छा नहीं लगता है। दूध में उबाल आ गया है, अभी फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। गरम दूध को छन्नी करके इसके ऊपर अगर एक्स्ट्रा मलाई जमा है तो उसे निकाल देते हैं। एस्प्रेसो बनाने के लिए एक ग्राइंडर जार में हम डालेंगे 7 बड़े चम्मच चीनी, आप आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हम चीनी और कॉफ़ी को इक्वल क्वांटिटी में लिए हैं। हम एस्प्रेसो बनाने के लिए नेस्कैफे का कॉफ़ी पाउडर लिए हैं, हमें इसका फ्लेवर ज़्यादा अच्छा लगता है। आप आपके पसंद का कोई भी कॉफ़ी पाउडर यूज़ कर सकते हैं, यहाँ में हमने 7 बड़े चम्मच कॉफ़ी पाउडर भी डाल देते हैं चीनी के साथ। आप चाहे तो 1 कप कॉफ़ी के हिसाब से भी इसे ग्राइंड कर सकते हैं। इसके साथ हम डालेंगे 3 बड़े चम्मच गर्म दूध। ढक्कन लगा के इसे कुछ सेकंड के लिए हम ग्राइंड कर लेंगे। हम थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में एस्प्रेसो को बना के रखते हैं एक एयरटाइट कंटेनर में, ये 7 दिन तक रह जाता है रेफ्रिजरेटर के अंदर, तो रोज़ रोज़ ग्राइंड करने का भी झमेला नहीं होता है। ढक्कन को खोल के देख लेते हैं ये फ्लफी और लाइट कलर का हुए है कि नहीं। हमारे एस्प्रेसो रेडी हो गया है, आप देख सकते हैं इसमें लाइट कलर भी आ गया है और ये फ्लफी भी हो गए हैं। एस्प्रेसो बना के रखने से आप कैपेचिनो, अमेरिकानो, माकियाटो, मोका, लाटे, कोई भी टाइप का कॉफ़ी आप आसानी से बना सकते हैं। अगर आपको ये सारे कॉफ़ियों का रेसिपी भी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप भी कर सकते हैं, हम बना देंगे। एस्प्रेसो को एक एयरटाइट कंटेनर में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। कैफे स्टाइल कैपेचिनो बनाने के लिए कॉफ़ी मग में डालेंगे 2 बड़े चम्मच एस्प्रेसो, गरम दूध को भी डाल देते हैं। एक चम्मच से इसे अच्छे से मिला लेते हैं। अगर आपको ज़्यादा झाग वाला कॉफ़ी अच्छा नहीं लगता है तब आप इसके ऊपर थोड़ा कॉफ़ी पाउडर स्प्रिंकल करके इसे एंजॉय कर सकते हैं इस तरह से। और अगर आपको ज़्यादा झाग वाला कॉफ़ी पसंद है वो भी हम दिखाते हैं। झाग वाला कैपेचिनो बनाने के लिए हम एक ग्लास लेंगे और इस तरह से इसे ऊपर नीचे करेंगे 2-3 बार। ऐसे करने से आप देखेंगे बहुत झाग हो गया है, आप ग्लास में ये क्लियर देख सकते हैं। फोम के ऊपर स्प्रिंकल कर देते हैं थोड़ा सा कॉफ़ी पाउडर, आप चाहे तो कोको पाउडर भी स्प्रिंकल कर सकते हैं। तो आपने देखा कितने आसानी से आप झाग वाला गर्म टेस्टी कॉफ़ी घर पे ही बना सकते हैं, कैफे जाना भी नहीं पड़ेगा।
इस सर्दी के मौसम में कॉफ़ी को एंजॉय कीजिए, और अगर हमारा ये इंस्टेंट कॉफ़ी रेसिपी अच्छा लगे तो लाइक का बटन में क्लिक कीजिए, और ऐसे ही स्मार्ट कुकिंग देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए स्ट्राबोनीस किचन को, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे हेल्दी।